चैनल तो हम देखेंगे आज के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या लिखना है पहला हमारा है ओजोन लेयर से रिलेटेड तो इसमें बता रहा है कि ओजोन लेयर हीलिंग होल विल मेंड बाय 2066 ऐसा यूएन की तरफ से बोला गया है और इसमें है फुली मेंडेड द होल ओवर अंटार्कटिका इन अबाउट 43 थ्री तो ये कहा जा रहा है कि फुली ये फोर्टी थ्री ईयर्स में मेंड हो जाएगा इन द अपर एटमोस्फेयरिक इन ओजोन होल थिंग्स गेटिंग बेटर तो ये कहाँ पे है अपर स्टेटोस्फेयर में अब ओजोन से रिलेटेड थोड़ा जानेंगे ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये क्रिएट होता है इंटरैक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से तो जो इंटरेक्ट होता है जब ये अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन से तो ये क्रिएट होता है फ्रॉम सन ठीक है अब ये तो पता ही है कि यूवी रेस सन से आती हैं विथ ओ टू मोलिक्यूल्स ठीक है वेन ओ टू मोलिक्यूल स्प्लिट इन टू ऑक्सीजन आटम देखो जैसे ओ टू है यानी कि दो ऑक्सीजन से मिलकर है वो स्प्लिट होगा ऑक्सीजन फिर वो बॉन्ड बना लेगा ओ टू मोलिक्यूल्स के साथ तो ओ थ्री फॉर्म करेगा करेक्ट तो ये बताया जा रहा है इसमें अब इसमें देखो स्टेटोस्फेयर इस में ये क्या है कि वेयर द एयर इज थिनर मतलब स्टेटोस्फेयर में एयर थिनर होती है और मोस्ट ऑफ द ओजोन जो प्रोड्यूस होता है ठीक है वो ओजोन लेयर में जो मोस्ट ऑफ द ओजोन प्रोड्यूस गिविंग राइस टू ओजोन लेअर तो मतलब मोस्ट ऑफ द ओजोन प्रोड्यूस हो जाता है इस वजह से स्टेटोस्फेयर में और ये एक तरीके का लेयर बना लेता है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं और ओजोन लेयर से रिलेटेड देखेंगे थोड़ी सी चीज़ें वन मिनट ओजोन लेयर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ तो ये इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए अर्थ पे बिकॉज इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ अब्जॉर्बिंग मोस्ट डैमेज फॉर्म ऑफ यू वी रेडिएशन तो ये क्या कर सकती हैं वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं यू वी रेडिएशन से डायरेक्टली जो पड़ता है तो जो मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ यू वी रेडिएशन होती हैं अल्ट्रावाइलेट रेडिएशन उससे हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं वेवलेंथ इसका टू से थ्री के बीच में होता है ठीक है टू नैनोमीटर ठीक है के बीच में होता है मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में तो मैंने जहाँ जहाँ स्टार लगाया है वो इंपॉर्टेंट जैसे स्ट्रेटोस्फेयर पे बनता है यहाँ पे स्टार लगाया ठीक है यहाँ पे लगाया है कि ये प्रोड्यूस होता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से अब इसमें क्या बताया जा रहा है बट हाई एल्टीट्यूड विंड स्प्रेड इट ओवर द होल प्लान ठीक है इट इज़ कॉन्टिन्यूली फॉर्मिंग एंड ब्रीदिंग डाउन जहाँ जहाँ स्टार लगाया है वो ज़्यादा ही मतलब ध्यान देना है अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है इट इज़ कॉन्टिन्यूली फॉर्म्ड एंड ब्रेकिंग डाउन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर प्लानट नॉन यूनिफॉर्म और कॉन्सटेंट तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब जो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लानट पर वो यूनिफॉर्म नहीं होता और ना ही कॉन्सटेंट होता है ये भी यहाँ पर मैंने डबल स्टार लगाया है ओजोन की बात करें तो ये मेज़र किया जाता है कैसे टोटल अमाउंट दैट इज प्रजेंट इन अ कॉलम ऑफ अ ओवर लेइंग एटमोस्फेयर इन डॉपसन यूनिट अब देखो ये चीज़ पूछ सकता है ना कि ओजोन को मेज़र किस में करते हैं तो डॉपसन यूनिट यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है ठीक है अर्ली 1980 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या पाया उन्होंने ये पाया कि डिक्लाइन इन ओजोन कंसनट्रेशन ओवर साउथ पोल तो वो उन्होंने उस समय जब वो उन्होंने रिसर्च किया अर्ली नाइनटीन एटीज़ में uh, उन्होंने uh, जो अर्ली एटीज़ में क्या देखा की जो ओजोन कंसंट्रेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है साउथ पोल से ठीक है नेक्स्ट हमारा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एन सिटी ऑफ डेली ठीक है नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द डेली इसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की वो किस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात की गई है करप्शन अमंग पब्लिक सर्वेंट इन द कंट्री तो जो पब्लिक सर्वेंट इन द कंट्रीज है जो अपनी कंट्री में पब्लिक सर्वेंट है करप्शन बढ़ते जो मामले आ रहे हैं उसको लेकर ये ये यह चीज़ यहाँ पर बोली गई है इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं ठीक है थेके? दो टू एस्पेक्ट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन क्या है तो इसमें है एक तो सीवियरिटी ऑफ लॉ एंड इट्स अप्प्लीकेशन ठीक है और स्ट्रंदन ऑफ पब्लिक ओपिनियन दैट वुड हेल्प कैरी फॉरवर्ड कैंपेन फॉर क्लियर पब्लिक लाइफ क्लीन पब्लिक लाइफ मतलब क्लीन पब्लिक लाइफ चाहते हैं लोग ये चीज़ भी यहाँ पे बात की गई है दूसरा सेंसस से रिलेटेड है तो ये आपको पता ही होगा पहले से कि अभी तक हम 2011 का ही सेंसस फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ट्वेंटी ट्वेंटी uh, में होने वाला था तो पैंडमिक की वजह से नहीं हो पाया अब इसमें बातें क्या तो देखी गई हैं ये देखना है फर्स्ट प्रॉपर सिंक्रोनस जो सेंसस है वो एटीन में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लाया गया था सिंस हैप एवरी टेन ईयर्स एक्सेप्ट वन दैट वॉज सपोज टू बैरिड आउट इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो वही चीज़ जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोली थी कि हर दस साल पर होता है पर दो हज़ार इक्कीस में होना था पर नहीं हो पाया क्योंकि पैंडामिक की वजह से फर्स्ट फेज जब होता है तो उसमें हाउसिंग सेंसिस निकलता है ठीक है हाउस होल्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो फर्स्ट फेज में होती है सेकेंड फेज पर पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है एजुकेशन रिलीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सारी चीज़ें इसमें होती है सेकंड फेज में और फर्स्ट फेज में हाउस होल्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं अब इसमें है सेंसस स्टिल कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट ऑफ नाइनटीन तो जो ये सेंसस कंडक्ट कराया जाता है वो सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के द्वारा कराया जाता है और इसमें है द एक्ट डज नॉट बाइंड द गवर्नमेंट टू कंडक्ट द सेंसस ऑन पर्टिकुलर डेटा और टू रिलीज इट्स डेट इज डेटा इन नोटिफाइड पीरियड सॉरी डेटा तो मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है और ना ही उनको बाइंड किया गया है गवर्नमेंट को कि उनको एक पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड करना है और रिलीज़ करना है जो भी पीरियड है उसका वो भी तय नहीं किया गया है एक नोटिफाइड पीरियड भी नहीं है कि उनको ये बाइंड किया गया है ठीक है कि उनको ये चीज़ इतने ही समय पे करके देनी है डिलेज हुए हैं ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक ठीक है एज आई से कि कोविड नाइन्टीन पैंडामिक जब बढ़ा तो uh, उसकी वजह से डिलेज हुए क्योंकि आपने देखा होगा दो हज़ार बीस इक्कीस का कितना ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी और इसमें नॉट ओनली इंडिया मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बहुत सारी ऐसी और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है जैसे कि यू एस यू के चाइना एंड बांग्लादेश में भी डिले हुए थे सेंशस को लेके नेक्स्ट आई आर से रिलेटेड है इंडिया ब्रिटेन साइन एंड एक्सचेंज लेटर फॉर यंग प्रोफेशनल स्कीम तो यंग प्रोफेशनल स्कीम जो इंडिया और ब्रिटेन ने साइन किया है इसमें क्या है एक तो ये जानना है कि प्रवासी भारतीय दिवस मार्क किया गया है जनवरी नाइन को और इसमें देखो जो ये यंग प्रोफेशनल स्कीम है उसमें परमिट किया जाएगा अप टू थ्री थाउजें डिग्री होल्डिंग सिटीजन को जो कि अट्ठारह से तीस साल के बीच में होंगे उनको किस लिए किया जाएगा टू लिव एंड वर्क इन ईच अदर्स कंट्रीज़ फॉर पीरियड ऑफ टू ईयर्स दो सालों तक वो एक दूसरे की कंट्रीज़ में इंडिया और ब्रिटेन की बात यहाँ पर की जा रही है वो वहाँ पर रह सकते हैं ठीक है दोनों मतलब वहाँ के सिटीजन यहाँ यहाँ के वहाँ दो साल का पीरियड ये चीज़ जो यंग प्रोफेशनल यहाँ आप देखो यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है साइन किया है गया है इसी के लिए पार्ट ऑफ इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एम ओ यू साइंड बाई साइंड मे ट्वेंटी वन तो किस पार्ट ये किस चीज़ का पार्ट है जो ये साइन किया गया है इंडिया यू के माइग्रेशन एंड मोबिलिटी और ये साइन किया गया था मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन में और इसको अनाउंस किया गया नवंबर में ठीक है कहाँ पर जी ट्वेंटी समिट में जो कि बाली में हुआ था यंग इंडियन और जो ब्रिटन्स हैं ठीक है वुड बी एबल टू ट्रेवल इच अदर्स कंट्री वो एक दूसरे की कंट्री में आ सकते हैं ट्रेवल कर सकते हैं ईदरफ वर्क और स्टडी ठीक है study, या तो काम की तलाश में स्टडी के लिए या फिर विजिट करने के लिए भी विजिट होगा ये ठीक है थीके? मैंने यहाँ पे वी आई एस लिखा है वो आप लिखे वी आई एस आई टी ठीक है विजिट फॉर टू ईयर्स और इनको ये अलाउ किया गया है एक्सचेंज वीज़ा ठीक है अप टू थ्री थाउजेंड इंडिविजुअल के लिए पर ईयर पर ईयर है ये ठीक है तो ये चीज़ें थी जो हमको आज शॉर्ट नोट में लिखनी थी और मोस्टली जो है वो इम्पॉटेंट ही थी आप देखोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि लाइट लेने के लिए सारा ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमने डिस्कस किया है थैंक यू सो मच